बीसीसीआई ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इस दौरे पर टीम इंडिया को नया टी20 कप्तान मिला। रोहित शर्मा के टी20 से रिटायरमेंट के बाद हार्दिक पांड्या को दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पांड्या के दिन इस समय खराब चल रहे हैं। उनको कप्तानी तो मिली नहीं बल्कि उप कप्तानी भी चली गई। इस दिन पांड्या ने आधिकारिक तौर पर बता दिया कि वह अपनी पत्नी नताशा से अलग हो गए हैं। जी हाँ, इस बात की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन इस पर कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। पांड्या और नताशा के निजी जीवन की कुछ घटनाओं से इस बात का अंदाज़ा तो लग गया था कि दोनों अलग हो गए, जिस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। जी हाँ, इन दोनों के रिश्तों में कब क्या हुआ बताते हैं आपको। वेल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक और नताशा की मुलाकात 2018 में एक पार्टी में कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती पनपी और फिर प्यार में बदल गई। कोविड के दौरान पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से तहलका मचा दिया। उन्होंने एक पोस्ट कर बताया कि क्रूज पर उनकी और नताशा की सगाई हो गई। दोनों की शादी अभी तक हुई नहीं थी, लेकिन इसी बीच दोनों माता पिता बन गए। दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अगस्त रखा। दोनों की शादी भी हो गई। साल 2023 में दोनों ने दो बार शादी की। पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, फिर इसके बाद ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि नताशा सर्बिया की है और क्रिश्चियन है। इस शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। शादी के बाद तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी साल मई में दोनों के अलग होने की खबरें आई, जिसका कारण नताशा का अपने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा लेना था। इतना ही नहीं, नताशा ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या के साथ कई पुरानी फोटोज भी डिलीट कर दी। इसी दौरान आईपीएल भी चल रहा था। आमतौर पर नताशा आईपीएल या टीम इंडिया के मैचों में हार्दिक को चीयर करती दिखाई देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था और इसी कारण इन दोनों के अलगाव की खबरों को और तूल मिल गया। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान और जीत के बाद भी नताशा ने हार्दिक को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया और ना ही उनके साथ नजर आई। हार्दिक इस दौरान अनंत अंबानी की शादी में भी दिखे, लेकिन नताशा नदारद थी। कई दिनों तक राज को राज रखने के बाद हार्दिक और नताशा ने गुरुवार यानी 18 जुलाई को बता दिया कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। साथ ही ये भी बताया कि उनके बेटे अगस्त की जिम्मेदारी दोनों की है और दोनों मिलकर उसकी को पेरेंटिंग करेंगे और अगस्त के हित में जो कुछ भी अच्छा होगा दोनों मिलकर वही करेंगे। जी हाँ, उन दोनों ने साफ तौर पर लिखा है कि अगस्त हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है और उसकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमारे रास्ते हम अलग कर चुके हैं।